अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं हूँ दरिया जेलम के किनारे, यहाँ से आपको पता लग सकता है आपका भाई पहुँच चुका है जेलम। और जेलम के अंदर हम लोग मतलब काफ़ी अरसे से आप लोगों में मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि जेलम का फूड टूर होना चाहिए, तो फाइनली आज भाई पहुँच चुका है जेलम के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से खाने हमने खाने हैं, जेलम के कुछ मज़ेदार खाने, कोई मज़ेदार चीज़ें जो हमें मिलती जाएंगी, जो हमें पता लगता जाएगा वो हम यहाँ पर ठूसते जाएंगे। वो दसों की मैदा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ेदार है, टेस्टी ऐसे रख। और वैसे सुबह सुबह इस तरफ जो है दरियाए जेलम का इतना खूबसूरत मंजर, इस तरफ प्यारे प्यारे से लॉन्स और यहाँ से गुजरती भी दोनों साइडों से जीटी रोड, बड़े खूबसूरत मंजर है। और अभी भाई आपका फुल एक्साइटेड है अपना जेलम टूर स्टार्ट करने के लिए, तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। ओल्ड सब्जी मंडी बाजार जेलम के अंदर से हम गुजर रहे हैं और पहला हमारा स्पॉट जो है वो आबिद पाए वाला, चांदनी चौक जेलम, पुरानी सब्जी मंडी, पुराना जो बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक बाज़ार है उसके अंदर जो है ये कोने पे इनकी होटल है और यहाँ पे लोग जो है वो बैठ के पाए शाए खा रहे हैं। इनके पास पाए हैं, साथ में मगज़ हैं, साथ में चने हैं। हम काफ़ी लेट हो गए हैं अभी, उनके दो देज के खाली हो चुके हैं और एक देज का पड़ा है, उसके अंदर से हम खाएँगे। पाए था पहला किन्ने दा है? एक पाए था पहला कर दो, मगज जल्दी बेच पाओगी या लग दें दे मगज? लग हो ना चल चल थोड़ा ये पा देंगे। नहीं, एक मगज की छोटी प्लेट लग दे दो। ठीक है, जनाल दो लस्सियां कर देंगे। ठीक है, भाई मैंने मंगवाए दो प्याले, एक प्याला पायों का और एक प्याला मगज़ का। पाए जो है फुली लोडेड करके इन्होंने दिए बीच में कफसरे डाल के, और मगज़ का एक प्याला उसके अंदर इन्होंने मगज़ का सालन बना के रखा हुआ है, साथ में गरम गरम नान और मगज़ के ऊपर ऐसे तरी डाल के, मसाला डाल के, और वो इन्होंने जो हिसाब पूरा बनाया है उसका। यार मगज़ जो है वो मज़ेदार है, लेकिन इस तरह लग रहा है एक सालन का एक घुलिया मिली है, बीच में मगज़ अगर आपने खाया हुआ है तो उसका जो अपना टेस्ट होता है वो इसके अंदर फील हो रहा है, साथ में कुछ चटपट से मसाले टाइप, जिस तरह एक ग्रेवी बनी हुई है मगज़ की और बड़ा सॉफ्ट सा अच्छा टेस्ट है, लेकिन एक जो मगज़ का प्रॉपर जायका आ रहा था किसी चीज़ में वो वाला नहीं है। वो शायद मसाले या तो उसको अपने नीचे दुबा रहे हैं या कोई तरीका सीन है, जो भी है ठीक है। जनरेटर उन्होंने चला दिया है तो थोड़ा सा आवाज़ मेरा कहले है पीछे, शायद आवाज़ आप लोगों को आ रही हो तो उस आवाज़ को बर्दाश्त करना है। और ये अब मैं ट्राई करने लगा हूँ पाए, इन्होंने पायों के ऊपर एक प्रॉपर तरी मार के और ऊपर एक मसाला छिड़का हुआ है। पायों का शोरबा बता देता है कि वो किस तरह की चीज़ है, अभी ज़रा खा के चेक कर लेते हैं। यार पहली बाइट में पाए का शोरबा मैंने खाया वो ठीक है, एक अच्छा टेस्ट फील हो रहा है कि हाँ जिस तरह पाए का एक अच्छा टेस्ट होता है वो है। अभी मैं साथ में ज़रा इसका मीट लगाता हूँ पाए का और फिर देखते हैं क्या गेम उठाता है। बकरे के पाए हैं और टेस्ट एवरेज टेस्ट है बिल्कुल, जिस तरह एक शोरबे की फील आ रही है कि हाँ वो पाए का जो शोरबा होता है थोड़ा थोड़ा वो लग रहा है, और साथ में कोई इतना मसालेदार या इतना वो फ्लेवर्स एकदम जो फील होते हैं वो चीज़ नहीं है, मगर ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ इनके चने कॉम्प्लीमेंट्री, वो साथ देखे गए हमें। और ये तो यार बड़े डिफरेंट चने इनके, जिस तरह वो कभी आपने चावल छोले खाए तो चावल के ऊपर जो वो छोले डाल के देते हैं, ये वो वाला टेस्ट है। नाश्ते वाले चने नहीं लग रहे, ये चनों का सालन लग रहा है। दोपहर का एक बज चुका है और इस तत्ती गर्मी धूप के अंदर हमें थोड़ा सा रिफ्रेशिंग को चाहिए था, तो यहाँ पे मैं जीटी रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, इससे आपको नज़र आ रहा होगा। जीटी रोड पे मेजर की फ्रूट चाट है, मेजर फ्रूट चाट। एक दो बुज़ुर्गों से मैंने सुबह पूछा कि यहाँ पे जेलम में क्या हमें लाजमी खाना चाहिए, वो कहते सारा जेलम छट जो, मेजर की फ्रूट चाट लाजमी खा के जाना, वरना साढ़े जेलम के टूर का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहा ठीक है भाई, जेलम में मेजर की फ्रूट चाट अगर बुज़ुर्ग इतनी तारीफ़ करें तो हमें मस्त वो उसको ट्राई करना चाहिए।
तो हम लोग आए मेजर की फ्रूट चाट ट्राई करने। सामने मेजर साहब खुद भी बैठे हैं। अब ये जाके उनसे पता करना पड़ेगा कि वो आर्मी मेजर हैं या किस तरह से, क्या मेजर, मतलब नाम के पीछे क्या साइंस है। और इस टाइम धूप आपकी सोच से ज़्यादा, मुझे लग रहा है लाहौर से भी ज़्यादा गर्मी जो है वो झेलम के अंदर है। अभी ट्राई करते हैं इनकी फ्रूट चाट ताकि ज़रा ठंडा मीठा कुछ हमारे अंदर जाए। हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। बाबा जी अभी आपने इंशाल्लाह बड़ा रहना क्या पता। मेजरे मैनु ये भी अल्लाह ने बनाया क्योंकि मैं वर्दी पा के पिंड आया ग्रां रूटी पास कर रहे यही ना तो 5 दिन की छुट्टी दे देने तो यूनिफॉर्म दे दें। यूनिफॉर्म पा के ग्रां आया तो इतने 4 दोस्त बैठे चौदह से वो मेजर साहब आ गए वो हल पै। अभी मैं हूँ मेजर फ्रूट चाट के किचन के अंदर और किचन में बड़ा एक प्रॉपर जो है ना वो फ्रूट चाट का सामान इन्होंने बांधा हुआ है। यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हैं, अंगूर, सेब, आड़ू, आलू बुखारा, हर चीज़ इस तरह वो कट रही है एक अपने हिसाब के साथ। उसके बाद चना चाट का एक अलग सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे वो एक जो बंदा पूरा फ्रूट चाट को लगा हुआ है। बड़ा आला किस्म का माहौल है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये कि सफाई फ्रूट चाट के अंदर बहुत है। अक्सर आपको फ्रूट चाट वाली जगहों पर इतनी खास सफाई नहीं मिलती, केले भी बीच में यगल मगल हो रहे होते हैं और सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं। भाई जान मुझे ज़रा ये इधर बताएं कि आप कौन कौन सी जो है फ्रूट चाट में क्या क्या डालते हैं। तकरीबन सारे फ्रूट डालते हैं। फ्रूट फ्रूट तो डालते हैं। चटनियाँ क्या खास हैं आपकी? हमारी ये कैचअप है, फिलहाल दही है तो बाकी एक चटनी बना देते वो फिलहाल छोड़ी हुई है इसलिए क्योंकि माल उसका जो मटेरियल मिल नहीं रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये बाकी जो है जायका जो है हमारे मसाले में है। अच्छा मसाले की गेम है जी। वो भाई ने मैं कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठ के खा लो, बाहर मक्खियाँ आपको खाने नहीं देंगी। दूसरी अंदर की बात यह कि बाहर गर्मी ने भी हमें खाने नहीं देना था। अब हमने मंगवाई है इनकी 3 चीज़ें। इनकी स्पेशलिटी जो है वो है क्रीम चाट, तो मैंने मंगवाई है एक क्रीम चाट, एक इनकी फ्रूट चाट और एक इनकी चना चाट। सबसे पहले मैं खाऊंगा इनकी फ्रूट चाट और वाकई में यार इनकी फ्रूट चाट और क्रीम चाट की जो प्रेजेंटेशन है वो इंतहाई, मतलब एक देख के आपको लगता है कि यार कितने मज़े से फ्रूट्स को ऊपर इन्होंने जो सेट करके रखा हुआ है। आम को काटा हुआ ऐसे ट्राइंगल शेप में, साथ में आलू बुखारा, साथ में खुबानी, अंगूर, ये चीज़ें डाल के साइड पे एक इन्होंने चटनी डाली हुई है जो मुझे लगता है खट्टी चटनी होगी। और इसको थोड़ा सा मिक्स करके खाएं क्योंकि उन्होंने तो सजा बना के दिया, वैसी थोड़ी खाना बिल्कुल। ओहो शदीद माउथ री वाटरिंग। वो जो रेड कलर की चटनी एक अंदर डाली हुई है वो बड़ी मज़ेदार है, हल्की सी खट्टी हल्की सी मीठी मिक्स है टेस्ट है उसका। और मसाले बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट चाट खा रहे हैं तो आपको मसाला ज़्यादा तुना हुआ आ रहा है, फ्रूट का फ्लेवर कम आ रहा है। सारे फ्रूट्स का प्रॉपर फ्लेवर, थोड़ी सी इन्होंने दही डाली हुई है तो और रेड चटनी और थोड़े से मसाले और साथ में ये मुरब्बे डाले हुए हैं ग्रीन कलर के। मज़ेदार चीज़, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल फ्रूट्स का फ्लेवर, थोड़ा सा रेड चटनी का फ्लेवर, थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर। अगली चीज़ मैं ट्राई करूँगा इनकी क्रीम चाट और क्रीम चाट में इन्होंने उसी तरह से फ्रूट्स ऊपर सेट वेट करके बड़े खूबसूरत तरीके, मुझे इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लग रही है। किशमिश डाली हुई है, मुरब्बा डाला हुआ है, आलू बुखारा, खुबानी, आम, सेब, आड़ू और ऊपर इन्होंने वेफर, जो ये 5-10 रुपये वाले वेफर का पैकेट नहीं मिलता बड़ा प्यारा सा, बच्चे छोटे छोटे लेके खाते हैं, वो वेफर कट करके ऊपर डाला हुआ है और बाकी सारी क्रीम है और नीचे सिंपल जो है वो रॉ फ्रूट पड़ा हुआ है बगैर किसी फ्लेवर और बगैर किसी चीज़ के, जिसका कोई रंग नहीं है, सारे रंग इन्होंने ऊपर भरे हुए हैं। यार क्रीम चाट जो है वो ठीक है, मज़ेदार चीज़ है, लेकिन क्रीम की क्वालिटी जो है वो साफ पता लग रहा है कि कोई सिंपल सी किसी चीज़ों को मिक्स करके ख़ुद से क्रीम बनाई हुई है, चीनी वाली क्रीम, कोई क्रीम की प्रॉपर क्वालिटी कोई वो नहीं है। और ये थोड़ा सा वेफर ऐड करके देखता हूँ मैं, साथ में आलू बुखारा, वेफर और नीचे से मिक्स क्रीम चाट। ओ छोटे होते नहीं वेफर के पैकेट लेके खाते थे, वो वाला टेस्ट है वेफर का बिल्कुल। और इसके अंदर आके वेफर थोड़ा सा वो ऐसे ना नरम नरम सा हो गया, जिस तरह बरसात के मौसम में नहीं केक रस घर में हो जाते उस टाइप का, मज़े की चीज़ है। लेकिन मुझे इनकी फ्रूट चाट जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी थी क्रीम चाट से। अभी मैं ट्राई करूँगा इनकी चना चाट। चना चाट
प्रॉपर देखने में ऐसे चटखारे पटखारे मारती हुई लग रही है। एक इन्होंने बीच में अपनी चटनी डाली हुई है, ऊपर प्याज, ऊपर बंद गोभी, हरी मिर्चें, साइड पे टमाटर डाला हुआ है, ऊपर मसाला तुना हुआ थोड़ा सा, और ये ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मुझे लगता है कि चना चाट की गेम उठाएगी थोड़ी सी। ओ मज़ेदार। अभी मैंने निचोड़ा ऊपर लीमू और चना चाट, वाकई में इनकी बहुत मज़ेदार है। एक चना चाट बंदा खा रहा हो उसको चटखारे फील ना हो तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। मुंह में जाते ही एक खट्टा और एक हल्के से मसाले वाला जो है ना वो टेस्ट आता है, और ग्रीन चटनी की प्रॉपर फील है। हरी मिर्च की जो ग्रीन चटनी है वो एक बड़ा मज़ा ऐड कर रही है चनों के अंदर। फ्लेवर से भरी हुई जो है ना वो चना चाट है, मस्ट ट्राई। जीटी रोड के ऊपर है, चना चाट लाजमी ट्राई करना भाई। यार क्रीम चाट मुझे इनकी ज़रा अच्छी नहीं लगी, मैं उसके आम चुन के, अंगूर जो है ना उसके चुन चुन के खा रहा हूँ। मैं पहुंच चुका हूं जी अपने अगले स्पॉट के ऊपर, जो है कि GTS चौक झेलम में न्यू चपली कबाब। ये कि पूरे झेलम में आप किसी से पूछोगे GTS चौक के चपली कबाब कौन से हैं तो वो इन्हीं का आपको बताएंगे। यहाँ पे पूरा माहौल लगा हुआ है, चपली कबाब बन रहे हैं, बड़ा उन्होंने एक कढ़ाया रखा हुआ है उसके अंदर वो प्रॉपर एक साथ में उन्होंने मीट मिक्सर अपना रखा हुआ है वो उठाते हैं उसको चपली कबाब के अंदर फ्राई, और पूरा एक एक खूबसूरत माहौल। लेकिन झेलम के अंदर फील ये हो रहा है कि हीट वेव है, मतलब इतनी गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इनकी हिम्मत है वैसे, ये जिस तरह चपली कबाब वो आग के किनारे बैठ के उसको बना रहे हैं, हमारी शूट करके जो है ना वो बस हो जाती है, ये तो उसको बैठे हुए बना रहे हैं। ढाबा है, एक हट है ये, जिसके अंदर इन्होंने कढ़ाया रखा हुआ है, लकड़ियाँ चल रही हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है चपली कबाब, साथ में गरम गरम रोटी, और साथ में ये अपनी एक चटनियाँ देते हैं। खैर पीछे इन्होंने जो ये इस जगह को गुजार के जो पीछे आपको एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पे इन्होंने ओपन दरख्तों के नीचे कुर्सियाँ टेबल लगाए हुए हैं, आप वहाँ पे बैठो। तो ये फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि चपली कबाब बन कैसा रहा है, इतना बड़ा बड़ा जंबो जेट चपली कबाब, नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं, फुल आग, गर्मी के अंदर गर्मी। साढ़े कर दो, चार चपली कबाब कर दो, अंडे वाला करना सादा, अंडे वाला दो, अंडे वाले दो सादा, ठीक हो गया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पसीने से हाल हमारा बुरा है, हर शर्ट हर जगह पसीना पहुंच चुका है। इस तरफ ये सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने बड़ा अच्छा सा बैठने का एक माहौल बनाया हुआ है। अगर बादल हो तो बहुत मज़ेदार ये स्पॉट है, लेकिन इस टाइम धूप अपनी पीक पे है, तो ये इस टेबल पे मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। ज़रा अपनी छांव ढूंढ के मैंने एक कब्ज़ा किया है टेबल पे। हम बैठे हैं जी चपली कबाब खाने के लिए, और ये तीनों मेरे झेलम के अंदर होस्ट हैं। अपना अपना नाम दसो। सलमान हैं। मैंने मंगवाए जी दो अंडे वाले चपली कबाब और दो सिंपल चपली कबाब। ये जो चपली कबाब का इन्होंने मटेरियल बना के सारा वो मिक्सर रखा हुआ है, वो दो सिंपल तो बनते हैं उसी तरह से, वो उठाते हैं मीट और उसके ऊपर तवे के ऊपर फ्राई। अंडे वाला जो इन्होंने अंडे पहले ही फ्राई करके तवे के साइड पे लगाए होते हैं, वो अंडे को इस तरह करके उठाते हैं तो उसमें मीट के अंदर जो मिक्सर है उसमें मिक्स करते हैं, और उसके बाद ये बनता है चपली कबाब। चल भाई आजा शुरू कर। केड़ा चंगा अंडे वाला के दूजा। वो चटनियाँ भी आई, चटनियाँ ग्रीन, वेरी ग्रीन चटनी। ओ हो गर्मा गर्म रोटी, फुल गर्म, खाओ यार शुरू करो, चलो जल्दी करो। हाँ ये आया सादा चपली कबाब। ओहो हो मज़ेदार, खाओ खाओ जल्दी, चटनियाँ ना ला के खाना है, बहुत ही गर्म है यार, है ना गर्म है ना। मज़ेदार चपली कबाब। अच्छा मैं इसको सादा चपली कबाब इंतहाई मज़ेदार, और साथ में इनकी ग्रीन चटनी की बहुत अलग गेम है, मज़ेदार चटनी है, खट्टी। अब तो आप रोज आएंगे। किमें वोए वोए वोए। यार चपली कबाब इंतहाई मज़ेदार बीफ चपली कबाब है, और उसके अंदर इन्होंने वो सूखा धनिया टमाटर जो एक एक सही पठानी टच होता है, साबुत जिस तरह से वेजिटेबल्स अंदर नज़र आ रहे होते हैं, मिर्च मसाले इंतहाई मज़ेदार। मतलब सिंपल अगर मैं चपली कबाब खा रहा हूँ उसका भी एक पूरा फ्लेवर है, और साथ में जो रायता है ऑनेस्टली
रायता इतना मज़ेदार है इनका, वो रायता फैला दिया इन्होंने मेरे जहन के अंदर। ग्रीन कलर है वो, मतलब ग्रीन जिस तरह का ये ग्रीन है, तो ये ऐसे होता पता नहीं किस चीज़ से, या तो ये कलर से हुआ भाई या किस तरह है, लेकिन इसका टेस्ट हाँ दही पुदीने की दही, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और ये दही उसकी बनी हुई मज़ेदार। यार यकीन करो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना मज़े का पूरा ये सीन होगा इसका चपली कबाब का, लेकिन इंतहाई मज़ेदार। अभी मैं खाने लगूँ अंडे वाला चपली कबाब, इसके अंदर फ्राई अंडा जो है वो ऊपर पूरे चपली कबाब में नज़र आ रहा है और बना ये सेम उसी तरीके से, हर चीज़ सेम है, सिर्फ इसके अंदर एक अंडे का अलग टेस्ट है। वो देखते हैं वो टेस्ट आता है या वो टेस्ट क्या क्या फील करवाता है। ओ एक जम्बू काट बम्बू काट किस्म की एक बाइट रहते शाइते ठोक के, यार बिल्कुल ऐसा लगा जिस तरह बीच में फ्राई अंडा जो है ना वो आपने अलग से लगा के खाया, उस तरह से फ्राई अंडे का एक टेस्ट है। इनका चपली कबाब बहुत मोटा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल थिन सा चपली कबाब है और उसका पूरा ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से एक प्रॉपर एक आपको मीट का फ्लेवर आ रहा है, हरी मिर्चें प्रॉपर फील हो रही हैं, सूखा धनिया एक बीच में टच मारा है। चपली कबाब में बड़ा मेन रोल होता है सूखे धनिया का। वो दसो कि मैं लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ेदार है, टेस्टी ऐसे रख ते रहता कि मैं लग रहा है मज़ेदार, जोड़ जा छना नहीं कुछ, हाँ सबसे मज़ेदार तो यही लग रहा है। ओ इंतहाई पुस्तश पकड़ मधुरी को देना जम पल दो। ये अभी मुझे एक भाई मिले, क्या हाल चाल है जी आपका, अपना नाम बताएं। मोहम्मद अवैध, जेलम से जी, वीडियोस देखते हैं जी, अच्छी लगती है के मुंह पे कह रहे हो? नहीं नहीं अच्छा इनके चपली को आप आपको भी मज़े के लगते हैं या हमें सिर्फ मज़े के लगते हैं? जेलम में मशहूर जी, बिल्कुल सही है, चलो पक्का ठप्पा लग गया जेलम के बंदे का। भाई ये हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, बहुत मुश्किल से मनाया कि पैसे ले लो, पहले फ्रूट चाट वालों ने भी हमसे पैसे नहीं लिए, उनको हमने बहुत जोर लगाया, ये भी इनको अन्य बार जोर लगाने के बाद जो है वो माने कि अच्छा चलो पैसे आप देने हैं, तो 1100 बिल बना था, उन्होंने हमसे 800 रुपया लिया बड़ी मुश्किल से। क्या मोहब्बत है जेलम की यार, हमारे लंच के बाद का ब्रेक चल रहा है और ये पीछे सारी इतना इन्होंने जेलम के अंदर हैंडीक्राफ्ट, ये बड़े खूबसूरत इन्होंने जो है वो हाथ से बना हुआ पूरा आर्ट है, इसके अंदर बड़ी प्यारी प्यारी चीलें शीलें, कोई हिरन शिरन, कोई गमले शमले, इस तरह की चीज़ें इन्होंने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है ना वो बना बना के रखी हुई है, तो वो मैं अपने घर के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से ले रहा हूँ घर में रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे हाथ से बनी हुई हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, वरना यही चीज़ें अगर लाहौर या इस्लामाबाद कहीं उन्होंने बत्तियों वाली दुकान में रखी हों तो ये कोई 15,000 रुपये की चीज़ वो देते हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे पैसों में मिल रही हैं, खींच रहा हूँ। रोहतास फोर्ट जेहलम के करीब दीना के इलाके में वाक़या है, जिसको 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के हुक्म पर बनाया गया था। किला रोहतास का शुमार बर्रे सगीर के चंद बड़े किलों में होता है। रोहतास फोर्ट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1997 for being an exceptional example of the Muslim military architecture of Central and South Asia.
अच्छा भाई, रोहतास फोर्ट से हम वापस पहुंच चुके हैं और अभी हम एक रोड पे से गुजर रहे थे और एक हमें ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा लगा है, रोड के ऊपर ही था, जीटी रोड के ऊपर, तो उस पे हम रुके हैं और वो रुकने के बाद पता लगा कि ये इसके ओनर जो है वो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक। पहले तो बताएं हम किस इलाके के अंदर खड़े हैं? आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर सेलम की सिटी में खड़े? ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं झेलम में ही हूँ, इनसे मैंने पूछा तो ये बता देंगे पीछे जो पुल मैं क्रॉस करके आया हूँ, झेलम से 10 मिनट दूर भी नहीं है ये जगह, लेकिन वो झेलम में छोड़ के और गुजरात डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट का सफर, लेकिन अभी हम सराय आलमगीर में। आपकी क्या नाम है इस जगह का? खैराबाद होटल। क्या क्या खासियत है यहाँ पे? हमारे पास चपली कबाब, चिकन, मटन में सारी कढ़ाई अवेलेबल है, और उसके बाद सालन वगैरह में दाल के स्पेशलिस्ट हैं हम लोग, और सब्जी वगैरह हर चीज़ हमारे पास मिल जाएगी आपको। सही है, वहाँ पे मैंने सामने जो इनका बड़े माहौल के अंदर चीज़ें बन रही हैं उसके अंदर मैंने देखा है कि दालें काफ़ी पड़ी हैं, तो दालों के स्पेशलिस्ट बाकी लग रहे हैं, और साथ में वो एक बटर चिकन इनके पास है, वो मुझे आपकी खासियत की लग रही है। बिल्कुल, या क्या? बटर चिकन और दाल अंडा हमारी बहुत ज़्यादा खासियत है, दोनों आपको ट्राई कराएंगे इंशाल्लाह। चलें देखते हैं, अभी तो फिलहाल हम किचन का माहौल देख रहे हैं, कितने मज़े से चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। साथ ही बताएं जरा क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये क्या है वो क्या है? हाँ जी सर, ये दाल चना है। ठीक हो गया। ये दाल भात चढ़ाई है। ठीक है। ये चिकन वाला चीना मटर चढ़ाई है। ठीक है। ये चिकन कोरमा है। सही हो गया। वो दाल अंडा स्पेशल। ठीक है। चने की दाल। ये क्या चीज़ है? ये मटर कढ़ाई है। मटर। अच्छा, मटन, वो बटर चिकन की तरह बटर चिकन वो है। अच्छा, वो बटर चिकन पड़ा हुआ है। जी, ये बटर चिकन है। सही है यार, देखने में ये माहौल इतना भी मज़ेदार किस्म का लग रहा है, जिस तरह चीज़ें यहाँ पे बन रही है, कोई 8-10 सालन पड़े हुए हैं, बेहतरीन माहौल चल रहा है। अच्छा भाई, खैराबाद रेस्टोरेंट की हमने मंगवाई है 3 चीज़ें। एक मेरे पास है इनका बटर चिकन, मक्खन शक्कन डाल के जो है ना वो इस चिकन को बनाते हैं, कोई मसाले हैं वो ट्राई करके पता लगेगा। एक जो है वो सिंपल चिकन कढ़ाई है, और साथ में एक प्लेट इनकी स्पेशलिटी है दाल अंडा, अंडा और दाल को मिक्स किया होता है। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा बटर चिकन, जो कि मुझे देखने में कोई इंतहाई मज़ेदार सी एक चीज़ लग रही है। वहाँ पर भी इस तरह प्रॉपर आग के अंदर वो बन रहा था, और इस तरह अभी ऊपर इन्होंने उसके हरी मिर्चें काट के डाली हुई हैं, लीमू डाला हुआ है, और साथ में ये बेसिकली चिकन है जिस तरह नमकीन गोश्त होता है, और बीच में वो प्रॉपर आपको तरी और घी इस तरह मिक्स नज़र आ रहा है। ये ओए होए होए होए, इंतहाई मज़ेदार ऐसे टूटता हुआ चिकन। ओ यार, इतना इसका मज़ेदार किस्म का टेस्ट है, प्रॉपर एक वो चिकन भी इस तरह टूट रहा है जिस तरह वो मक्खन मलाई है, पर एक बटर का टेस्ट आ रहा है साथ में। इन्होंने वो मुझे लग रहा है कि ये देसी घी इसके अंदर डला हुआ है, पर वो देसी घी का फ्लेवर है साथ में, ताज़ी जो क्रंची इस तरह हरी मिर्च होती है वो वाला फ्लेवर है इसका, इंतहाई मज़ेदार चीज़ है वाकई में। एक मतलब एक ढाबे के ऊपर ढाबे वाली वो तवों के टेस्ट के अंदर आपको ये चिकन मिल रहा है, पूरे मक्खन शक्खन तुन के, मतलब मेरे जहन में कोई टेस्ट आ रहा है जो मैंने खाया बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत पहले कभी खाया, ये उसकी जैसी कोई चीज़ है, पता नहीं अम्मी बनाती थी, अम्मी नमकीन गोश्त बनाती थी, तो ये नमकीन गोश्त इस तरह वो वाली फील है इसके अंदर। इस बाइट में मैंने लगाया चिकन और प्रॉपर एक हरी मिर्च, क्योंकि इनकी हरी मिर्च बाकी में बड़ी एक फ्रेश सी है, वो मुँह में जाके कड़च होती है और बड़ा मज़ा आता है उसका। वो एक्सट्रीमली बटरी और फ्लेवरफुल। अच्छा, जो चिकन है उसकी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो है बड़ा ऐसे मक्खन मलाई सा टेस्ट, बड़ा माइल्ड सा टेस्ट, लेकिन साथ में जो हरी मिर्चें हैं वो प्रॉपर आपको एक स्पाइस फील करवाती हैं, तो वो साथ में स्पाइसी और इस तरह का वो मिक्स होकर जो टेस्ट आ रहा है वो बड़ा मज़ेदार है। अभी मैं ट्राई करूँगा इनकी दाल अंडा, जो कि एक खासियत है। अच्छा, इनकी तीनों चीज़ें जो इनकी गार्निशिंग जो है वो बड़ी मतलब तीनों के ऊपर ही हरी मिर्चें काट के डाली हुई हैं, अदरक डाला हुआ है, लीमू डाले हुए, वो चीज़ बड़ा अच्छा लग रहा है। ये दाल अंडा, ये चने की दाल है, और साथ में दूसरी वो पत्ती वाली वो माश की दाल होती है, वो मिक्स करके और इसको इसके मतलब आग के ऊपर जब बना रहे होते हैं तो वो अंडे शंडे बीच में डाल के और प्रॉपर इसको बनाते हैं ये। ओए यार,
ये बेसिकली है भी एक रोड साइड ढाबा, ढाबा तो नहीं, काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है, लेकिन वही वो प्रॉपर ढाबे वाली फील है। और जिस तरह वो ढाबों का टेस्ट, ट्रकड्डों का टेस्ट होता है दाल का, वो इंतहाई मज़ेदार दाल ऐसे चने शने डाल के और बीच में अंडे शंडे मिक्स करके इन्होंने बनाई हुई है, साथ में हरी मिर्च आ रही है। वो भाई अभी तक दो चीज़ें ट्राई की हैं और दोनों इंतहाई मज़ेदार, खासतौर पर वो चिकन तो बहुत मज़े का, लेकिन वो इस तरह का टेस्ट है कि मैंने खाया हुआ है। ये जो है ये प्रॉपर एक दाल के साथ अंडे और इनके जो भी मसाले हैं, बहुत मज़े के इसके जो है ना वो अंदर मुँह में जाके घुलता मिलता है। और ट्रकों वाले अड्डे की दाल, उसकी गेम आपको ऑलरेडी पता है। अभी इनकी चिकन कढ़ाई जो है वो मेरे सामने बड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, चिकन कढ़ाई प्रॉपर इस तरह एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें बनी है उसी के अंदर आई है। ओहो, चिकन कढ़ाई खा जूँगा सारी खा जूँगा। यार चिकन कढ़ाई बड़ी मज़े की है, अच्छी खासी मज़े की है। एक प्रॉपर जिस तरह थिक ग्रेवी होती है, जिस तरह वो आग के ऊपर उसको पकाते रहते हैं तो वो थिक ग्रेवी हो जाती है, अक्सर कढ़ाइयों में आपने कहीं बनते हुए देखा होगा, खाया होगा, उस टाइप की है। असल गेम है इनके मसालों की, वो मसाले ऐसे कि बंदा ऐसे करता है चीज़ को कि यार इतनी मज़ेदार चीज़ है। ये कढ़ाई आपको मिल जाती है, इस तरह की कढ़ाई अक्सर हर जगह पर आपको मिल जाती है, लेकिन वो जो दो चीज़ें हैं बाकी वो बाकी में डिफरेंट हैं और उनका फ्लेवर भी बड़ा मज़ेदार है। अभी कढ़ाई को हम जुड़ने लगे हैं हैवी करके। आप अगर कभी भी जीटी रोड से ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे आप लाजमी आना, खैराबाद जेलम से गुजरते हुए लोकेशन डाल लेना, आपको साफ पता लग जाएगा। चिकन कढ़ाई अच्छी है, लेकिन चिकन कढ़ाई इस तरह मिल जाती है आपको जगहों पे, बहुत मज़े की है। लेकिन जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं वो ट्राई करने वाली हैं, मस्त मज़ेदार, ऐसे मसालेदार, चटकारेदार, फ्लेवरदार खाना खा के हम लोग निकल रहे हैं। और यार इस होटल की मैंने भी एक चीज़ नोट की है, पहले मैं जब खड़ा हुआ था तो वो कोई ऐसे मांगने वाले वो आए तो उनको वहाँ से खाना दे दिया, मुझे लगा उन्होंने खाना इनसे लिया। अभी फिर मैं जितनी देर बैठा रहा हूँ उतनी देर में कोई 3-4 लोग इस तरह के आए जो मतलब बोलते हैं आके कि हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो ये उनको एक वो पर्ची बना के देते हैं, वो वहाँ पर काउंटर पर जाते हैं और उनको वो खाना मिलता है। ये मैंने जितना भी मैं फिरा हूँ पाकिस्तान में, मैंने ये चीज़ पहली दफ़ा देखी है कि कोई भी आके बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है ये खाना खिला दो, उसको पर्ची बना के देते हैं, जाओ दाल रोटी चिकन जो भी चीज़ है वो ले लो, कमाल है वैसे। खैर भाई रात के 10:39 हो चुके हैं, ये पीछे से आपको जीटी रोड गुजर की नज़र आ रही है। मैं अपने होटल के अंदर वापस आ गया हूँ, अभी ज़रा सोएंगे, पूरा दिन हम जेलम के अंदर सहरे वहरे करते रहे हैं। तो खैर यार ये एक छोटा सा मेरा ट्रिप था जेलम का, वन डे था सिर्फ, क्योंकि जेलम का पिछले काफ़ी अरसे से आ रहा था कि जेलम कब होगा। आज खैर हमने जेलम को किया तो है, लेकिन ये आप लोग बता सकते हो कि जेलम के साथ हमने इंसाफ किया कि नहीं। यार जितनी चीज़ें मुझे पता थी वो मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ की हैं, कुछ रह गई हैं, जिस तरह अजवा एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है वो रह गया, उसके बाद एक मेरा ख्याल कोई हांडी है, और यहाँ पे एक शनवारी मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं मतलब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ का कोई मुझे ट्राई करना चाहिए, शनवारी हर जगह पे होते हैं। खैर ये वजह थी, और बाकी आप लोगों ने बताना है वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख रहे भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अभी जाके बस फ्रेश होके डेटा वेटा ट्रांसफ़र करके हम सोएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे मैं निकल रहा हूँ मीरपुर, अगली वीडियो मीरपुर इंशाल्लाह, उम्मीद है थोड़े से प्लान मेरे चेंज हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़ ख़वातीन हज़रात, एफर्टलेस सुसाइड, जस्ट वन छलंग एंड यू उते। तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे, तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना